रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है। आज हो सकता है कि ये आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। इस वक्त बंधु तिर्की जो मांडर से विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और सहायक पुलिस कर्मियों के साथ वार्ता कर रहे हैं। उसके लिए इनका जो स्थायी सहायक मन लोग सोच रहा था कि भाई और जो पुलिस बल है उसका उसकी दिशा के बारे में बोला जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अभी हम एक कर लेते हैं। तो बंधु तिर्की लगातार सहायक पुलिस कर्मियों से मिल रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि और ये देखिए ग्रामीण एसपी नौशाद आलम भी यहाँ पर पहुँचे हैं और बंधु तिर्की और ग्रामीण एसपी नौशाद आलम सहायक पुलिस कर्मियों से मिल रहे हैं। दरअसल कल जिस तरह से पदाधिकारियों के साथ सहायक पुलिस कर्मियों की बैठक हुई थी उसके बाद सहायक पुलिसकर्मी ये मांग कर रहे थे कि उन्हें लिखित जो सहमति पत्र है वह दिया जाए। बिल्कुल आप विश्वास रखिए क्या बोल रहे थे सर। बोले हम लोग बोले कि 60 दिन का जो समय दिया गया हम लोग को क्या उस दिन पे हमारा काम हो जाएगा, उस पे निराकरण किया जाएगा। तो सर बोले कि हाँ उसी पे काम होगा, अभी कमिटी मेंबर लोग से बात किया जाएगा तो बताया जाएगा कि अब क्या बोलते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे के साथ ये लगातार यहाँ पर रांची के मोरहाबादी मैदान में डटी हुई थी महिला सहायक पुलिसकर्मी के साथ साथ पुरुष सहायक कर्मी और इन्हीं से मुलाकात करने के लिए इस वक्त यहाँ पर बंधु तिर्की पहुँचे हैं और आज हो सकता है कि इनका जो पिछले करीब एक महीने से अधिक समय से आंदोलन चल रहा था वह समाप्त हो सकता है। पैसा चढ़वा दीजिएगा और अभी हम लोग एक हफ्ता बाद ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, बच्चा उच्चा का तबीयत खराब है। हफ्ता तो नहीं लेकिन थोड़ा सा हम लोग करेंगे उसमें आप लोगों को मिलेगा जाने के बाद में एक हफ्ता। अभी बच्चा उच्चा के तबीयत उबियत भी खराब है बहुत ज्यादा। पुलिस जैसा सेवा जी जी पुलिस के रूप में सेवा कर रहे हैं एक सप्ताह ज्यादा होगा जी। और अपना स्थानीय थाना में कम से कम ड्यूटी लगे सर, नहीं कुछ नहीं बजता है। सर हम लोग यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल आपका विश्वास पर जा रहे हैं सर हम लोग वापस। पिछला बार भी हम लोग के ऐसे ही बरगला कर दिया गया था, इसलिए अब की बार कम से कम हम लोग के जो आप बोल रहे हैं आपका विश्वास पर हम लोग वापस जा रहे हैं अपना स्थानीय थाना में ड्यूटी। मंत्री जी का पूरा निर्देशानुसार इस बार आपका जो टाइम 2 महीना का अवधि है भले एक दो दिन आगे पीछे होगा लेकिन बिल्कुल आपकी मांगों को बिल्कुल विधि सम्मत और ये आंदोलन का पैसा तो मिलेगा ना सर। भरोसा करिए डेढ़ महीना से डटे हुए हैं सर आप ठीक छोटे छोटे बच्चे आप लोगों की भावना को बिल्कुल सरकार भी समझ रही है और इसी के लिए मैं भी आया हूँ। सारे लोग रात भर बातचीत हुई है सारा चीजों को लेकर के एक सहमति बना है क्योंकि आप पुलिस सेवा में हैं, अनुशासित तरीके से आपको पुलिस सेवा में अपने अपनी सेवा में आप लौटे। बाकी जो आप लोगों का जो मांगे हैं उस मांग पर जो 2 महीना का ही किया गया है आपका भी आबादी विस्तार का मामला है बहुत सारे चीजें हैं उस सब चीजों का हाँ 36 दिनों से हम लोग तो शांतिपूर्ण ही मतलब जो हम लोग का है चल रहा है आंदोलन जो भी निर्णय हुआ सर आप पे विश्वास करके लास्ट उम्मीद के साथ हम लोग अगर यहाँ से जाने का आपके द्वारा जो बोला गया है आप लोग खाली कीजिए उम्मीद के साथ हम लोग जा रहे हैं क्योंकि पहले बहुत टूट चुके हैं। नहीं 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 अब इस बार आपको आप हौसला दिला रहे हैं तो बहुत हम लोग के सर स्थानीय थाना में ड्यूटी और आंदोलन का पैसा जो आज सूत्री मांगे हैं उसको कानून सम्मत विधि सम्मत बिल्कुल आपके हित में ही निर्णय लिया जाएगा। एक हफ्ता बाद हम लोग ड्यूटी ज्वाइन करते तो ठीक रहता सर पैसा के बारे में आप 2-3 दिन में चलो आगे चलो। तो ये देख सकते हैं कि बंधु तिर्की सभी सहायक पुलिस कर्मियों से मुलाकात कर रहे हैं। सर जो भी हमारा मांग आपको सुनना है सर कृपा करके दे दीजिए सर, हम लोग घर में जाके कहाँ जवाब देंगे सर। 4 साल हम लोग अपना समय दिए सर, आपसे रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री के सर, आपसे रिक्वेस्ट है सर हम पैर पड़ रहे हैं सर लेकिन जवाब देना मुश्किल हो गया है सर। गाँव घर में हम जाके क्या बोलेंगे, 40 दिन पुलिस सेवा में बहुत मुश्किल हो गया है। आप माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार
बिल्कुल आपके मांगों पर सरकार बिल्कुल गंभीरता है। इस बार हम लोग सर पिछली बार हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, इस बार आप 60 दिन का समय मांगा गया है, मर जाएंगे सर। आगे पीछे 8 सूत्री जो मांगे हैं उसको बिल्कुल कानून सम्मत आपका विधि सम्मत आपको इसको आपको पूरा किया जाएगा। चीजें जो चीज सहमति बनी है उस सहमति को हम लोग पिछली बार वाला मत नहीं हम लोग सर विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि आप लोग थाना क्षेत्र में ड्यूटी करना है सर। हम लोग बात सारे चीजों को हम लोग कह रहे हैं आप जी सर आप पर भरोसा है सर थाना क्षेत्र में सर ड्यूटी करेंगे ना सर। वो ना अभी सब चीजें देखो 8 सूत्री जो मांग है उस मांग पर हमको चलना सर। इधर करने में सर ज्यादा खर्च पड़ जाती है सर। थाना क्षेत्र में सर ड्यूटी करेंगे तो सर हम लोग कुछ बात को ला रहे हैं उस पर भी ला रहे हैं सर। जीवन बराबर रहेंगे सर, कल्याण करवा दीजिए। बहुत मेहनत बहुत सारे चीजों को बड़ी चीज को लेने के लिए आपको समझना होगा, इसलिए आप चिंता ना करें। थाना क्षेत्र में तो कुछ अरे हम लोग हैं आपके लिए, हम लोग हैं जब खड़ा है तो आपको विश्वास रखिए। चलिए हम करेंगे, आइए भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए। आज सहमति पत्र आप लेकर क्या सभी लोग मांग जाएंगे मानने के लिए लोगों को? देखिए इनका सहायक पुलिस में कार्यरत है और इनकी जो 8 सूत्री मांग है माननीय मुख्यमंत्री से हमने उनके निर्देशानुसार ही हम सारे चीज़ों को विगत 3 दिन से लगातार इनके साथ 3 बैठक हुआ, रात को काफ़ी लेट देर तक बैठक हम लोग किए हैं। कुछ सहमति बनी है, इनकी 8 सूत्री मांगे हैं और इनको बिल्कुल ही विधि सम्मत कानून सम्मत इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी इसको 2 महीना के अंदर इसको पूरे तरीके से इसको इकरा के इसको पूरा कर दिया। अभी बातचीत चल रहा है, चले मुख्यमंत्री के निर्देश पर आप लोग यहाँ पहुंचे? हाँ बिल्कुल, पहले भी लोग सीधा समायोजन की मांग कर रहे थे, मगर क्या बातचीत हुई? देखिए पहले क्या बोला नहीं बोला, अभी बंधु तिरके आया है ना, हमारे मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आए हैं। मुख्यमंत्री के वो प्रतिनिधि मेरे थे होंगे, लेकिन कुछ हो सकता है चूक हो गया होगा, उनका भी प्रयास रहा है, इसलिए इसी तरह किसी तरह का विवाद नहीं बना। इनका समाधान होना चाहिए और हम समाधान के दिशा में हम आप सारे लोगों को हम भी आप लोगों से ही आई करते हैं। बंधु जी इस समाधान मतलब राज्य स्थापना दिवस से पहले चाह रहे ये समस्या हल हो जाए, वरना नहीं नहीं 2 महीने देखे चुके ये सब सारे चीज कानून से वित्त विभाग बहुत सारे चीजों से गुजरना पड़ेगा लॉ डिपार्टमेंट, तो इसलिए अभी के आपकी मांगे मान ली गई कहना ये इनके लिए एक तो कोरा आश्वासन होगा। इसलिए कमेटी एक उच्च स्तरीय कमेटी ये इस पर काम करेगी और जल्द से जल्द इस पर कुछ निर्णय ले लेगी। क्या लगता है इनकी मांगे जायज है? देखिए कुछ चीजें तो बिल्कुल इनके जो है उसका मांगों को कुछ मांगे इनकी मांगे हैं वो तो बिल्कुल जायज है, कुछ मांगे हैं उस मांगों को चूंकि जो विधि सम्मत नहीं है जो चीज आपका विधि डिपार्टमेंट कर रहा है लेना है। इन तमाम चीजों को तो राय लेने के बाद ही किया जाएगा ना, तो इसीलिए बाकी चीजों का आप सब मांगे मांग तो बहुत लोगों का आंदोलन करते हैं तो सब मांग होता है, तो सब मांग तो जायज नहीं होता, लेकिन कुछ मांग तो जायज होते हैं, तो उसके साथ उनके साथ में बिल्कुल इनकी भावना को प्लस ये जो तो बच्चे यहाँ का स्थानीय बच्चे हैं इनके लिए सरकार गंभीर है और रास्ता 60 दिन के अंदर 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है रास्ता निकाल लिया जाए। 36 दिन क्यों लग गया? 36 दिन लगा, चले इसको आप बहुत ज्यादा ही ना करें इसको, हम लोग सब लोग आप सभी लोग मिल करके इन लोग को मदद करते ना चाहिए। उसमें कौन कौन से ये मांगों के बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा, अभी बता दिया जाएगा। इनके जो ज्ञापन है वही है, इनका ज्ञापन जो दिया हुआ है यहीं से। सर आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग के बारे में इतना सोच रहे हैं तो हम लोग विश्वास भी कर रहे हैं आपके ऊपर कि जरूर कुछ अच्छा होगा, लेकिन आप भी एक बार बोलिए सर कि क्या होगा 2 महीना बाद? ऐसा तो नहीं ना होगा कि हम लोगों को भुला दिया जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हम लोग खड़े हैं आपके साथ और आपके लिए हैं, बिल्कुल होगा। आपकी भावना को हम लोग समझते हैं, सरकार भी गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह और आप की जो बातें हैं उसको सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा, इसीलिए उच्च स्तरीय कमेटी इसके लिए बनेगी
और 60 दिन हो सकता है, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, आपका निश्चित रूप से आपकी बातों को पूरा कर लिया जाएगा। कुछ बातें हैं जो कानूनी मामले होते हैं, कानूनी तरीके से करा जाए। हम लोग पास अभी कुछ भी नहीं बचा है, तो हम लोग जो भी पैसा है वो जो आंदोलन वाला वो चढ़ सकता है क्या? हम लोग उसके बारे में तो हम लोग बात हुआ है, बहुत छोटे छोटे बहुत आपके लिए बहुत सारी चीज बात हुआ है शायद, पर हिंदी लोग आपको बताया जी सर, आप उसके बारे में भी हम लोग बात किए हैं। आपका एक एक चीजों को हम एकदम पूरे परखी के साथ लगातार 3 दिन से आपके लिए हम एक रात को भी आपके लिए हम लोग 2 बजे तक बात किए हैं, आपके लिए 2 बजे तक रात को 3 दिन से लगातार बात कर रहे हैं, इसलिए आपका हित के लिए बात हो रही है। सर आप मेरे फादर की तरह हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारा जो भी वेतन हो बढ़ोतरी होगा, हमारा एक सम्मानजनक वेतन होना चाहिए। इसके लिए इसीलिए हम लोग उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी और बन करके 60 दिन के अंदर में, क्योंकि पैसा बढ़ाने वाला वित्त विभाग वगैरह सारे चीजों से सहमति लेकर किया जाएगा। और निश्चित रूप से आज का महंगाई का जमाना में ये पैसा ये हर आदमी खुद हम क्या सबको समझने की जरूरत है, आपकी मांग बढ़नी चाहिए। ऋषभ ऋषभ नहीं नहीं आप तुम ऋषभ लो ना पूरा उम्मीद तो नहीं पर जगह हुआ है तुम तो जुमला वाला जी बात पूरा करेंगे ऋषभ माइक ऑन कर रहे हैं इधर आओ ना मेरे पीछे आओ अरे देखो बनुदा आपसे पहल पर इस तरह का जो है बड़ी उपलब्धि 38 दिनों से ये लोग थे आंदोलनरत और आप जो है क्या कि एक तरह से कहा जाए कि सहमति बन रही है कि अब ये लोग आंदोलन वापस लेंगे सब क्या कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हम लगातार 3 दिनों से इन लोगों के जो प्रतिनिधि लोग हैं मंडलों के साथ बातचीत हो रही है, रात को भी देर रात तक बात हुई है, इनकी 8 सूत्री मांगों पर राज के वरीय पदाधिकारियों से भी बात इन लोगों की हुई है हुई और कहीं कहीं पर विरोधाभास था उसको कल रात को उसको भी सहमति बना दिया गया है उस पर भी, और मैक्सिमम चीज़ें आपका इन्हीं लोगों का हित में है। तब है क्या कि चूंकि ये कानूनी विधि विभाग से भी राय लेना है, वित्त विभाग से भी राय लेना है, कैबिनेट में भी मामला को लाना है, तो ऐसी परिस्थिति में 60 दिन 2 महीने का समय इन लोगों को किया गया है और इस 2 महीने में हो सकता है 4 दिन 5 दिन आगे पीछे होगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री इस मामले पर बहुत गंभीर हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कल मिला हूं, मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज़ों को उन्होंने महसूस कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस बार इन लोगों को अच्छा मैंने लाभ इन लोगों को होगा और इनके पक्ष में ही होगा। बंधु जी ये सीधी नियुक्ति वाली जो बात थी उस पर कहां तक की सरकार तैयार हुई है? सीधी नियुक्ति के बारे में इनका आगे आइए आपका अस्थायीकरण की नहीं इनका देखिए 2 चीजें इसको समझने की जरूरत है। एक आपका ये लोग सहायक पुलिस है वो जनरल पुलिस और कई सहायक पुलिस में इनकी अवधि 22 अगस्त तक आपका समाप्त है। एक तो अवधि विस्तार का मामला है और उस पर इनको क्या वेटेज मिलेगा आने वाले दिन में क्या किया जाएगा, तमाम चीजों को ला रहे हैं हम लोग बात कमेटी सरकार करेंगे। विपक्ष इस तरह मामले को बना रहा है उससे लग रहा है विपक्ष के दबाव में आई से पहले कोई किसी का दबाव नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से ही हैं उस पर कुछ उसका चिंता है इस पर ये विपक्ष का दबाव, हमारे बच्चे हैं हमको सोचना है सरकार को सोचना है सरकार सोच रही है। आप ही के पार्टी की तरफ से कहा गया ये तो बीजेपी के पाप है ये सब शब्दावली इस्तेमाल। नहीं नहीं कोई बात कौन क्या बोला नहीं बोला नहीं, इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों का आप सभी लोगों का सहयोग से इसको हम लोग को मदद करना चाहिए। क्या बोल हम आपसे आप आए हम लोग का संज्ञान लेने के लिए 38 दिन में हम लोग को खुशी हुई है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जिस तरह हम लोग को पिछले साल का आश्वासन मिला था उस तरह आपसे उम्मीद नहीं करते हैं। आप हम लोग के आदिवासी ये मंत्री हैं नेता हैं विधायक हैं या सरकार तरफ से आप प्रतिनिधि के तौर पर हम लोग से मिलने आए हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि हम आदिवासी बच्चों को आपके आने से हम लोग खुशी हुई है कि आप हमारे बारे में सोच के आए और हम लोग के हित में ही आप काम कीजिएगा।
पिछले साल की तरह हम लोग को ऐसा ना होना पड़े कि हम लोग को झूठा आश्वासन में रखा जाए। और सर ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोग का जो थाना अंतर्गत ड्यूटी के लिए दिया गया था उसी आधार पर हम लोग को जिला से बाहर ड्यूटी के लिए ना भेजा जाए। बिल्कुल, आपके तमाम चीज़ों आप भरोसा रखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही आपके साथ हम सब चीज़ सहमति बन रही है, इसलिए इस बार आपको पहले अगर किसी भी तरह में कमी बेसी रहा हुआ होगा, कभी धोखा हुआ होगा, इस बार आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार इसका फलाफल। सर यही उम्मीद करते हैं पिछले साल के भांति हम लोग को धोखा ना हो। नहीं नहीं नहीं, पिछले साल और अभी बात कर रहे हैं उसमें अंतर है, पिछले साल में कुछ, इसलिए चिंता ना करें। हम लोग खड़ा हैं, हमारे साथ पूरे सरकार है, पूरा सब लोग खड़ा है। इस बार हम लोग इसीलिए बोले कि पिछले साल भी आप ही की सरकार थी और इस बार भी आप ही की बिल्कुल सरकार है। कहीं ना इसी वजह से कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी बेसी रह गई होगी। इस बार आपका इतना लंबे दिन आप आंदोलन किए हैं, आप सहायक पुलिस हैं, आप लोग आपकी बातों पर आपकी मांग पर गंभीरता पूर्वक इसीलिए उच्च स्तरीय कमेटी गठन करके इस पर काम करेगी और 60 दिन के अंदर रास्ता निकालेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से बंधु तिर्की ने साफ तौर पर कहा है कि 60 दिनों का आप ही के ऊपर भरोसा करके सर आज हम लोग 38 दिन का आंदोलन तोड़ रहे हैं। सर देखिए सर, पिछले बार जैसा ऐसा मत कीजिएगा सर, एकदम आज 2500 सहायक पुलिस का उम्मीद है सर, आप पर पूरा भरोसा है सर, इतना पहल कीजिएगा सर कि हम मेरे बूढ़ा माँ बाप को, मेरा बीवी बच्चा को आराम से पाल सके, नहीं तो सर 2500 सहायक पुलिस तो बर्बाद हो ही गया हो जाएगा सर, और इसका पूरा परिवार भी एकदम बर्बाद हो जाएगा सर, एकदम इस बार इतना पहल कीजिएगा सर। देखिए सर, आप ही को ऊपर भरोसा करके सर चलो। पिछले बार को हम समझ रहे हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है, एकदम इस बार हिम्मत रखो और हम काम करो, पूरा इस बार होगा। ठीक है सर, आपकी होगा, बहुत जगह होगा, इस बार एकदम होगा, चिंता मत करो, एकदम पूरा होगा, पूरा इस बार होगा, पूरा चिंता मत करें, ठीक है, एकदम पूरा होगा। एक ही बात को कहता हूँ, एकदम ठीक, पूरा आपका 8 सूत्री मांग पर पूरा हम लोग काम कर रहे हैं, पूरा ठीक है, चलो बढ़िया से जा करके। हाँ सर, हम लोग को बात है कि जैसे कि हम लोग आंदोलन के आने के बाद में हम लोग एक बहन थी पुष्पा कुल्लू, पुष्पा कुल्लू आज शायद हम लोग दुनिया में हम लोग के साथ नहीं रही, तो हम नहीं चाहते हैं सर कि इस आंदोलन के दरमियान हुआ है, नहीं हुआ है, आंदोलन में आना चाह रहे थे लेकिन नहीं आई, लेकिन वो पैसे के अभाव से ही वो उसकी मृत्यु होगी, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग जो बचे हुए हैं सहायक पुलिस, उस सहायक पुलिस को ऐसा नौबत नहीं आए कि आप लोग का जो निर्णय होगा कमेटी में ऐसा नौबत अब नया रास्ता निकाल दीजिए कि हम लोग दोबारा पैसे के लिए हम लोग को तकलीफ ना हो। अभी यहाँ आंदोलन के समय में डेथ हुआ है, नहीं सर रास्ते में आ रही थी, मना कर दिए घर में ही थे, तो ये स्थिति दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक ठीक, चलो आप। जय हिंद सर। सर हम लोग आपका भरोसा से छोड़ रहे हैं। अरे तुमको तो हम जानते हैं और मेरा काम जानता है, चिंता हम जानते हैं, इसीलिए ये आपका जो सर, ये आपका जो है ना सर, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये चीज टूटना नहीं चाहिए। श्रीमान जितना दिन हम लोग आंदोलन में है सर, अगर उसका वेतन चढ़ जाता सर तो बहुत अच्छा होता सर। बात कर रहे देख रहे हैं कि हम लोग कितना तकलीफ है, सबका जिम्मेवारी बढ़ते जा रहा है, सब यंग है, अभी बहुत कुछ शादी भी नहीं किया, शादी भी करना चाह रहा है, और जब हम लोग अभी कैसे करेंगे सर इतना कम वेतन में, कोई तो लड़की भी देने के लिए रेडी नहीं हो रहा इतना कम वेतन। ऐसा निष्कर्ष निकालिए कि हम लोग को दोबारा यहाँ आने का नौबत ना हो, क्योंकि वर्दी का भी बहुत बदनामी होता है और हम ये नहीं चाहते हैं। हम लोग जब 2017 में बहाल हुए उस समय सरसों तेल 100 रुपया से भी नीचे था, अभी 200 रुपया के जी हो गया। ठीक बोल रहे हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग बिल्कुल मानदेय आपका बढ़ना चाहिए, मैं इस पक्ष में हूँ जी, आपका पूरा विश्वास है सर, अब बनाए रखें। लगता है अब समझते हैं कि इन लोग ये वो समाप्त हो जाएगी। नहीं अभी चलिए, अभी तो बहुत भाग्य घूमने दीजिए, पूरा उतना लंबा जा बैठेंगे सर, तो प्रेस करेंगे सर, वहाँ बैठेंगे सर, नहीं हम लोग बैठेंगे सर। किन किन समस्याओं पे जो सहमति बनी है, किन 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 बातों पे सहमति बनी है, चलो अब बने के बता दें सहमति वाला बना, चलो ना दे रहे हैं लंबा था, पूरा जिला सरकार की ओर से सब लोग साथ सर, से बहुत उम्मीद है सर, क्योंकि इस बार दोबारा यहाँ आने की नौबत ना पड़े सर, बहुत परेशान।
हम तो आपसे काफी उम्मीद करते हैं। पीछे मेरा थोड़ा रुक जाए, वहाँ बात करेंगे। इधर भाई, इधर भाई, इधर भाई, पाया पाया सर, यहाँ से लोहरदगा जिला। बहुत उम्मीद रही दादा, पक्का पक्का, बहुत उम्मीद रही दादा, नहीं करती एकदम। पिछले बार तरह हम बहुत दिक्कत, हम लोग हमने जा रहे थे तीन दिन से यात्री संघ से, न्यूनतम वेतन मांग से पूरा बता दिया एकदम। चल हम पूरा कह दिए, थोड़ा आई खराब हो गया हो? नहीं, थोड़ा सा डैमेज हो जाए। ठीक करते, ठीक है ना, चलो। हेलो, हाँ। तो ये आप देख सकते हैं कि बंधु तिर्की आए हुए हैं सहायक पुलिस कर्मियों से मुलाकात करने के लिए और सहमति पत्र लेकर यहाँ पर पहुँचे। आपका मैं बहुत उम्मीद है हम लोग का, हम लोग पूरा, आप चिंता मत करो, पूरा चिंता मत करो, चलो हम है, हम लोग है सब, सरकार अगर इस बार सरकार पूरा आपके लिए है। तुम ही ना आए थे जी, इधर आओ, मेरे साथ आओ। हाँ चलो, तो तीन दिन से बताए कि नहीं लोगों को, लगातार तीन दिन से बात हो रहा है। सर आपके ऊपर भरोसा है? भरोसा है, पिछले सर पिछले बार हम लोग धोखा खा चुके हैं, इस बार हम लोग के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, पिछले साल से हम लोग धोखा नहीं चाहिए। नहीं, ठीक बोला, ठीक बोले, भरोसा किए हैं सर। सर देखिए, हम लोग इतना दिन से हैं, अभी हम लोग को पहले जो पिछले साल ठगा गया वैसे हम लोग इस बार नहीं ठगा जाए, नहीं तो हम लोग जैसे 30 दिन पूरा होता है, 60 दिन पूरा होता है, और अगर हम लोग का मांग जो है वो पूरा नहीं किया जाता, हमको हम लोग को सही ढंग से पूरा लिखित नहीं दिया जाता है, तो हम लोग फिर 2 महीना बाद फिर हम लोग आएंगे। 60 दिन एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। हाँ सर, एक दो दिन हम लोग मान लेंगे, लेकिन अगर नहीं किया जाए तो बोल दो बाबू सर, हम लोग का वेतन इतना दिया जाए सर कि हम लोग परिवार का भरण पोषण कर सके। पिछले बार भी सर हम लोग आंदोलन किए थे तो उसमें से हम लोग को सर बोला गया था कि इतना वेतन मिलेगा, लेकिन उसमें से हम लोग का कोई भी काम पूरा नहीं हुआ था सर। इस बार हम देख सर दोबारा आंदोलन में ना आए। चलो देखो देखो, मंडी जम करा पे चिकन उत्तू ते से करे लालू पुट्टी सो स्ट्रेन थे सारी लोग पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुट्टी का है सर। जी सर, जी सर, जी सर, हम लोग छठ के बाद ड्यूटी पे हैं। हां समझ लो, कुछ भी बात को समझ लो सर, कुछ अगर दो तीन दिन के बाद में देख रहे हैं पूरा वो समय छठ के बाद, एक बार समय जी दो तीन दिन सर करवा देंगे। सर पिछले बार की तरह हम लोगों को झूठा आश्वासन देकर नहीं ना भेजा जाएगा? आदमी है ना जी सर, गरीब ला है जी सर, हम ऐसे नहीं आते ना जी सर। ठीक है जी सर, चलो सिमुंडारी तो सर नहीं जाते, सादरी से आपको कहेंगे सर। सर 4 साल का कार्यकाल में सर हम लोग को सिर्फ जो है अपना बेइज्जती ही सहनी पड़ी है सर। हम लोग सहायक पुलिस के तौर पर अपना राज्य का अपना जनता का सेवा करने के लिए निकले थे सर। हम लोग खूंटी जिला से बिलोंग करते हैं सर, उसमें हम लोग का महापुरुष हम लोग का जो है बिरसा मुंडा के धरती से आते हैं सर। उन्होंने जैसा तो काम हम लोगों ने अभी तक नहीं किया सर, लेकिन 4 साल में हम लोग भी कुछ अपना जनता का सेवा और कहीं ना कहीं आपका भी हम लोग सेवा जरूर किए सर, लेकिन आज तक हम लोग का जो है वेतन मान से ही जो जाना जाता है सर, इसीलिए बस थोड़ी सी सर मेहरबानी हो जाएगी अगर आपके अनुसार अगर कुछ हम सर सर, इसीलिए हम लोग का जो सम्मानजनक जो सर मांग है उस पर आप कार्य किया जाए सर, आपका आभारी बना रहेंगे। कितना है कुटी से? 300 लड़का लड़की मिला के तो कुटी का है जी सर। कुटी का ना सिंगल
करेंगे इस बार तुम्हारा काम होगा, तुम लोग का काम इस बार एकदम लगेंगे पूरा। हाँ हाँ, उसके लिए बात हुआ है, बात बता देंगे, नहीं बताया होगा। सर कुछ बोलना है? सर हम लोग बोलना चाहते हैं कि पिछले बार हम लोग जो आंदोलन आए थे तो हम लोग को मंत्री ये मिथिलेश ठाकुर के द्वारा झूठा आश्वासन दे के भेजा गया, वैसे इस बार आपसे हम लोग विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हम लोग को आपके विश्वास से जा रहे हैं तो हम लोग झूठा आश्वासन नहीं चाहते हैं। क्या बोला? मैंने बोले थे कि 15 दिन के अंदर में जो आप लोग का कार्य पूरा हो जाएगा। इस बार सरकारी स्तर पहली बार आंदोलन कार्य तुम लोग जो कर रहे हो उसमें मैंने उच्च स्तरीय कमेटी बन रहा है पूरा सरकारी कमेटी, और वही कमेटी को तुम्हारा कानून सम्मत वित्त से लेकर सारे चीज़ों की करेगा, और 60 दिन, 60 दिन हो सकता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन आगे पीछे होगा, लेकिन रास्ता निकाल। हाँ सर, सरकार के प्रति इतना विश्वास है। और बोलना चाहते हैं जो हम लोग अभी आए हैं आंदोलन करने के लिए, उस बार देखिए उस बार जो किया गया था 15 दिन का, चलो हम तुम लोग का करा देंगे, मांग पूरा करा देंगे बोल के भेज दिया गया, एक साल मैंने इस बार पूरा लिखा सहमति पत्र बन रहा है ना। सर और बोलना चाहते हैं, फिर अभी हम लोग आंदोलन आए हैं, हम लोग का 36-37 दिन हो गया, तो अभी हम लोग के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा, तो पिछले बार का जो हम लोग का मंदिर 10,000 है तो हम लोग को दिलवाने के लिए थोड़ा सा कष्ट करें, थोड़ा आंदोलन करने के लिए कुछ पाने के लिए थोड़ा करना पड़ता है, चिंता मत। चलो चलो ठीक है, ठीक दो चलो। हाँ पूरा दुमका जिला से ना, तो डुबो करेगा कि क्या करेगा? चलो दुमका ना सर, हम लोग दुमका से आए हैं, कुछ हम लोग का भी क्वेश्चन है सर, हम लोग का जो मांग अभी जो है 8 सूत्री, ये सब मांग पूरा होगा कि नहीं सर? हम लोग बहुत गरीब, उसी पर सहमति बनी है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही है, और ये 8 सूत्री मांग पर बिल्कुल कानून ठोस निर्णय आपके साथ में, सर 8 दिन 2-4 दिन आगे पीछे भर होगा, लेकिन इस बार आपके लिए रास्ता। सर सर उसके बारे में तो मैं अपने सर, जैसे सर पिछले साल सारे चीजों को इमैक है ना, ये चुनाव समय मत बुलवाओ सर, जैसे पिछले साल वाला जैसे सर कोई आया प्रतिनिधि आए थे वो इस तरह इस बार ठगा महसूस नहीं होना चाहिए सर, आप ही को विश्वास करके बहुत भरोसा लोग करता है, इसलिए हम लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं करना, नहीं होना सर, बात ऐसा हो गया कि हम लोग यहाँ आंदोलन करने के बाद हम लोग ऐसा स्थिति हो गया कि घर जाने तक का पैसा नहीं है सर, तो कम से कम हम लोग ड्यूटी करने जाएंगे तो कम से कम उसका कम जो अभी आंदोलन कमी पूरी करा रहे हैं। चलो चलो चलो, ये लोग दुमका का, ये लोग सब दुमका का है, फुलहान वाला है, फुलहान से है सर, दोबारा तो ऐसा यहाँ आने का नौबत नहीं पड़ेगा ना? पूरा हम कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए सर कि दोबारा यहाँ आने का नौबत ऐसा ना नहीं होगा, तुम दोबारा बढ़िया से ड्यूटी करोगे ये एकदम सर, और अपना सरकार सोच रहे, सरकार भी है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही मिले, दोबारा जाके तुम लोग बढ़िया से ड्यूटी करो, तुम्हारी बात और अपना जिला अपना क्षेत्र में करें सर, ये लोग का जैसे चाईवासा का जमशेदपुर में ड्यूटी कर रहा है। अच्छा अच्छा, दूसरे जिला में जाते हैं, पुलिस को कभी कभी तो लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जाना पड़ता है सर, आवश्यकता नहीं, लगातार 4.5 साल से वहीं पे है सर, और 10,000 मानदेय में तो सर जो बताए आप हमारा विश्वास मत तोड़िएगा सर, है ना, हम लोग सर झारखंड सरकार को बनाने में बहुत मेहनत किया सर, हम लोग कोलार प्रमंडल से लगभग 14-15 विधायक को जीता है सर, सिर्फ कांग्रेस और जेएमएम को सर, इसीलिए आप हमारा विश्वास को मत तोड़िए, झारखंड हित में सोचिए सर, क्योंकि आपका स्टेटमेंट हमेशा हम लोग देखते हैं सर, लगभग 20-30 दिन से हम लोग देख रहे हैं, आप ही हैं जो हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं। उधर हो गया मजकूर, मजकूर हो गया उन लोगों का, अरे उन लोगों का अमूल कहाँ गए जी, कहाँ किधर है, बुला
ठीक हो गया सलामू की लड़की थोड़ा सा सर हम लोग का जो अगले बार प्रतिनिधि के द्वारा हम लोग जो छले हुए फीलिंग कर रहे हैं सर आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा है सर आप झारखंडी नेता हैं सर अब हम भी झारखंडी बच्चे हैं सर ऐसा कार्यजीवन नहीं हो सकता है जो झारखंडी अपने बच्चों को छल सकता है महोदय आपके भरोसे पर हम लोग जा रहे हैं हमारी एज भी खत्म हो गई है हम लोग कहीं लायक नहीं बचे हैं सर लाइफ का सबसे गोल्डन समय सर सिस्टम को दे दिए हैं तो सर आपसे निवेदन है आप गार्जीवन है सर नहीं, नहीं, हमारे आंख में आंसू आप नहीं देख सकते हैं सर आप पर भरोसा है महोदय हमारी हर चीज़ को सुना जाए सर जिस तरह उग्रवादी लोग हम आदिवासी बच्चों का शोषण करती थी उसी तरह सरकार भी हम लोग का 5 साल शोषण किए सर हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमें उस शोषण से बाहर निकालिए ताकि हम लोग जो पढ़े लिखे हैं हम लोग को महसूस हुए कि नहीं सरकार में राजनीति में न्याय मिलता है देश में न्याय मिलता है राज्य में न्याय मिलता है ये जो है इसमें हम लोगों का मतलब ऐसा निर्णय निकला जाए जो हम ये वर्दी पहन रहे हैं इस वर्दी का भी इज्जत बच जाए और हमारा जो जीने का एक जरिया है जो मतलब समान जीवन उसे के लिए समान जनक जीवन जी सके उसी के लिए 3 दिन से लगातार जग के काम कर रहे हैं हम सर हम लोग का जो पिछले बार आश्वासन दिया गया था उस हिसाब से श्रीमान ना होना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत कष्ट से अरे इस बार हमको 3 दिन से जगवा दिए हो तुम लोग रिजल्ट अच्छा आएगा हेलो प्रणाम सर अगर 2 महीने में हम लोग का ये मांग नहीं अगर पूर्ति होती है 2 महीने के बाद हो सकता है 2-4-5 दिन आगे जी सर तो फिर सर आंदोलन की नौबत आएगा नहीं आएगा इस बार आप बैठिएगा ना हम लोग के साथ सर अरे आंदोलन का बैठने का नौबत नहीं आएगा नहीं सर अगर नहीं होगा तब सर मिठाई देने के लिए तो मिठाई खिलाओगे हम तो इस बार सर वो विश्वास पिछले बार नहीं इस बार नहीं होगा भरोसा रखो भरोसा चलिए कहाँ पर बैठे हैं इधर इधर एक महिला है इधर इधर बंदूदा ये क्या बोल रही हैं सर हम लोग को मन में डाउट है सर पिछले बार जैसे हम लोग को मिथिलेश ठाकुर ये जो हम लोग को झूठ आश्वासन दे के जो हम लोग को अपना अपना जिला भेज दिए थे तो सर हम लोग को आज 14 मंथ हो गया यहाँ से पिछले बार जो आंदोलन किए थे तो हम लोग को सर अभी तक कुछ नहीं हुआ तो सर आपसे जब बात हो रही है तो सर पिछले बार जैसा ऐसा तो नहीं होगा ना कि मतलब एकदम भरोसा रखो पिछले बार कुछ कमी बेसी हुआ होगा हम इसके लिए तुमको क्षमा चाहते हैं लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही पहले भी बात हुआ होगा उनके निर्देशानुसार ही लेकिन इस बार मुख्यमंत्री भी बहुत चिंतित हैं आप लोगों के लिए पूरी सरकार चिंतित है इसीलिए उच्च स्तरीय कमेटी इसके लिए 2 महीना के अंदर में सारे चीज़ों को लेकर के आप लोगों के लिए बेहतर फैसला लेगी ठीक है ना सर हम लोग यहाँ से सर अभी हम लोग मतलब 39 दिन से यहाँ पे हैं सर 40 दिन हो गए तो सर हम लोग चाहते हैं कि अपना अपना जिला जाए और छठ पूजा तक सर अपना थोड़ा सा छुट्टी रखें और सर ठीक है हाँ इतना ज़्यादा ठीक सर 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 ये आप देख सकते हैं कि बंधु तिर्की दादा क्या आज आंदोलन समाप्त हो रहा है क्या कुछ कहेंगे अभी तो हम जा रहे हैं वहाँ चलिए ना अभी तो है ये है वहाँ अभी 8 बिंदु पर सहमति बनी है उसको लेकर आप सहमति पत्र पर आए हैं कि लोग का खत्म करा देना नहीं बिल्कुल वो सहमति बनी है और 8 सूत्री मांगों पर और ये सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही हम कर रहे हैं लोग सारे पदाधिकारी उच्च बड़े पदाधिकारी राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारी सभी लोग मिल करके और जो उनके 8 सूत्री मांगे इसके लिए एक कमेटी बनेगी और ये कमेटी 60 दिन के अंदर में विधि विभाग वित्त विभाग तमाम उनके मानदेय का बढ़ाने के संबंध में और सारे जो भी चीज़ें हैं उन पर एक सहमति बनेगी और इनके हित में होगा ताकि इनका जो मांगे हैं इनका जो भी है चूँकि ये लोग सहायक पुलिस हैं वो पुलिस ये सहायक पुलिस है इनका अवधि विस्तार का मामला सब है
तो ये सारे चीजों को कमेटी उसको देखती है। आंदोलन समाप्त हो रहा है, उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। सर एक चीज और सर आपसे बोलना चाहते हैं सर, जैसे हमारे जितने भी सहायक पुलिसकर्मी के जवान हो या लड़कियां हो, तो सर जब अपना अपना जिला में ड्यूटी करती है तो सर थोड़ा बहुत अगर नुक्स होता है तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता है नौकरी से सर, तो ऐसा सर हम लोग के साथ क्यों अन्याय होता है सर? देखो कुछ कुछ चीज जो मैनुअल पुलिस रूल नियम है उसको तो आपको पुलिस में हो तो आपको उसको तो सर ठीक है सर, तो मैं जानती हूँ कि वर्दी वाली हूँ सर, मगर ये चीज भी तो सर हमारे बड़े पदाधिकारी को जाँच करना चाहिए ना सर, तो उसको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। इस बिंदु पर भी हम बात करेंगे। चलो हेलो, तो आप देख सकते हैं कि सहायक पुलिस कर्मियों से मुलाकात करने के बाद अब यहां पर वार्ता के लिए बंधु तिर्की जो है बैठने वाले हैं। अच्छा, चलिए आइए।